नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के पालघर के वसई विरार के बोलिंज गांव में हुआ हादसे को लेकर पुलिस प्रशासन और बिजली महावितरण से हो रही लापरवाही के खिलाफ सभी दलों ने और जनता ने मिलकर निकाला आक्रोश मोर्चा। 16 अगस्त को स्कूल जाने में बच्ची को खुले में पड़े पड़े विद्युत वाहक तार का झटका लगने से हुई थी मौत। इस घटना के लिए बिजली महावितरण के संबंधित अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की अपेक्षा थी। कुछ तुटपुंजी रकम लेकर इसको निपटाने की कोशिश महावितरण ने की। पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से न संभालने की वजह से अपराधी जल्दी छूटने की संभावना बनी। इस घटना को देखते हुए जनता में बड़ा आक्रोश हुआ और अन्याय के खिलाफ उन्होंने आक्रोश मोर्चा निकालकर बिजली महावितरण और पुलिस प्रशासन को खड़े बोल सुनाए। इसमें सभी पदों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एवं जनता शामिल थे। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई कराकर जांच कराकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, बच्ची के घर वालों को मुआवजा दिया जाए, लड़की के भाई को नौकरी दी जाए। जनता दल की इस ओर से मनवेल तुस्कानो बोबाटो, शिवसेना की ओर से जिला प्रमुख पंकज देशमुख, जिला अध्यक्ष जॉन परेरा भी शामिल थे। संवाददाता मनोज खरात, वसई नाला सोपारा से रिपोर्ट। तनिष्का नहीं है, मेरा लाज पाएगी।